बातचीत की शैली से आप किसी भी व्यक्ति के हृदय पे अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं, फिर चाहे वो आपका ग्राहक हो या आपका मित्र या कोई और। यह है वार्तालाप सूत्र। पहला सूत्र, वार्तालाप में होना तो ये चाहिए कि कुछ बात आप करें, कुछ बात वो करें, लेकिन सूत्र ये है कि वार्तालाप को समझे एक आलाप, कि एक ही व्यक्ति बात कर रहा है, आप चुप रहें, उन्हें ही बात करने दें, समझे कि जैसे वे वक्ता हैं और आप श्रोता हैं, इस प्रकार से व्यवहार करें, उनकी बात को सुने सहानुभूति से, सिंपथी, उनकी बात को सुने समानुभूति से, एम्पथी, उनकी बात को बहुत गौर से सुने, ध्यान पूर्वक सुने, इसका मतलब ध्यान इधर उधर भंग ना होने दें, एकाग्रता उस व्यक्ति पे बना के रखें, इसका अर्थ है कि मोबाइल को ना छुएं, मैसेजेस ना देखें, फोन कॉल भी ना उठाएं, अपने जूतों के फीतों को ना बांधें, इधर उधर ना देखें, उबासी ना करें, अंगड़ाई ना लें। अगला सूत्र, कम से कम बोलें, बोलें सिर्फ तब जब अनिवार्य हो, बोलने से पहले 3 सेकंड या 4 सेकंड रुक जाएं, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति की बात खत्म हो गई है और वे अगला वाक्य नहीं बोलने वाले। ठीक, बोलें कम से कम, कम से कम शब्दों में अपना वाक्य पूरा कर लें, संक्षिप्त में बोलें, बोलें सिर्फ तब जब आपको लगे कि सन्नाटा छाने लग गया है, या दूसरा व्यक्ति बार बार आग्रह कर रहा है कि आप भी कुछ बोलो, और ये बोलने के बाद वे चुप हो जाते हैं, वाक्य में ही चुप हो जाते हैं, तो वो आपका क्यू है, वो संकेत है कि अब आपकी बारी है बोलने की। तो ऐसे में क्या बोला जाए, आप उन्हीं के प्रति, उन्हीं के बाबत बात करें, ऐसे प्रश्न उठाएं जिनका उत्तर वे देने में आनंदित होते हों, उन्हें अपने बाबत ही बात करने में प्रोत्साहित करें, ऐसा करने की कोशिश करें। हो सकता है वे व्यक्ति आपसे कोई सलाह मांग रहे हैं, अपने उनके पास कोई शंका है, उनकी कोई समस्या है, वे आपसे समाधान मांग रहे हैं, ऐसे में भी चुप ही रहें और उन्हें बोलने दें, और बोलते बोलते उनके भीतर से ही उनका समाधान निकल जाएगा। 100 में से 99 मौकों पर ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ कोई सलाहकार नहीं, आप ही अपने दीप हैं, अपो दीप भव, इसलिए सुनते जाएं। कभी कभी हो सकता है वे वास्तव में आपसे ही समाधान चाहते हैं, वे आपका दृष्टिकोण वास्तव में ही मांग रहे हैं, ऐसे में वही चीज अपनाएं कि 3-4 सेकंड चुप हो जाएं और अभिनय करें कि आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि वे चुप हो गए हैं, और कदापि उनके वाक्य को ना काटें, उनके वचन प्रवाह को भंग ना करें। इस सूत्र का प्रयोग करके देखें अपने मित्रों के संग और खास तौर पे अपने ग्राहकों के संग, और कमेंट्स में बताएं कि क्या परिणाम आपको मिलेगा।